जीवन मंत्र योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिनसे आपका जीवन बनता है स्वस्थ और निरोग। जीवन मंत्र के ज्योतिषीय सेगमेंट में आज हम बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आपको कैसे लड्डू गोपाल को मनाना है जिससे आपके जीवन के सारे कष्ट और क्लेश दूर हो जाएं। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी उल्लास का पर्व है। ये उल्लास है योगिराज नटखट नंद गोपाल के धरती पर अवतरण होने का, बाल स्वरूप श्री कृष्ण की पूजा करने का घर घर विधान है। यूं तो पूरे वर्ष ही लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना और सेवा शुश्रूषा की जाती है, लेकिन जब जन्माष्टमी हो तो उसकी बात ही कुछ अलग है। जिन घरों में लड्डू गोपाल स्थापित हैं वहां जन्माष्टमी का उत्सव दुगना हो जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मुहूर्त आप नोट कर लीजिए हमारे वीडियो को देख कर, और अपने लोगों को भी आप नोट करवा दीजिए। 2 सितम्बर अष्टमी रात्रि 8:47 से प्रारंभ होकर 3 सितंबर को शाम 5:20 तक, इस समय रोहिणी नक्षत्र भी लगा हुआ है। 2 सितंबर को 8:48 से प्रारंभ होकर 3 सितंबर को 8:04 तक, निशित काल है 2 सितंबर को रात 11:57 से 12:48 तक। 2 सितंबर को अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र का रात्रिकालीन मिलन हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे माना गया है, इसलिए 2 सितंबर को जन्माष्टमी करना श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। आइए अब हम आपको बता देते हैं कि कैसे आपको जन्माष्टमी का पूजन करना है। जन्माष्टमी पूजन का पहले संकल्प लें, थोड़ा कीर्तन करें, फिर ओम क्रम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करते रहें। उसके बाद जन्माष्टमी के पूजन के समय सबसे पहले भगवान कृष्ण या लड्डू गोपाल का जल से अभिषेक करें। जल के बाद गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद दूध दही घी शहद और बूरे से अभिषेक करें। इसके बाद फिर गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल और दूध से स्नान के बाद पुनः पंचामृत से और फिर गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान के बाद भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें। श्रृंगार के बाद गोपाल जी को झूले पर प्रतिष्ठित कराएं। भगवान की छठी तक झूले पर ही विराजमान रखें। ठाकुर जी का स्नान कराने के बाद भगवान को इत्र लगाएं, उमंग के साथ कीर्तन करें, विष्णु सहस्रनाम या गोविंद सहस्रनाम का पाठ करें और फिर उसके बाद ओम क्रम कृष्णाय नमः मंत्र की एक माला करें। ठाकुर जी को वस्त्राभूषण भेंट करें, उनको मिष्ठान आदि का भोग लगाएं, मिश्री और मक्खन अवश्य रखें। इसके बाद ठाकुर जी की आरती करें। यथासंभव ठाकुर जी का प्रसाद 2 हिस्सों में करें, एक मंदिर के लिए और एक भोग के लिए। किसी गरीब आदमी को प्रसाद देना बहुत ही सार्थक रहेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस साल आपको श्री कृष्ण भगवान की जरूर कृपा प्राप्त होगी। जीवन मंत्रा में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।